So, आज का चैप्टर सिक्स है लिंग ठीक है परिभाषा दे रखी है इसकी क्या परिभाषा दे रखी है देखो जाति का बोध कराने वाले शब्द तो को लिंग बोलते हैं जाति का बोध क्या कराने वाले यानी आदमी है औरत है बच्चे हैं जो भी है ठीक है तो ये लिंग का बोध करा लिंग का अर्थ है चिन्ह लिंग से जाति की पहचान होती है हिंदी में लिंग के दो भेद है कौन कौन से है भैया वो दो भेद देखो पहला क्या है पुल्लिंग दूसरा क्या है स्त्रीलिंग पुरुषत्व को जो बताएगा पुल्लिंग स्त्रीत्व को जो बताएगा स्त्रीलिंग ठीक है पुल्लिंग का क्या मतलब पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है जैसे घोड़ा घड़ा तोता तो पहाड़ साग पर्वत सोच आदि ये सारे क्या है पुल्लिंग है ठीक है स्त्रीलिंग क्या है देखो स्त्री स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं जैसे घोड़ी हथनी सड़क रोशनी सौगात दया कृपा मूछ नाक कथा बात सीख आदि क्या है स्त्रीलिंग है

अब प्राणीवाचक बोले तो अब इनका पता तो नहीं चलता है लेकिन ये क्या है पुरुषवाचक है जैसे पेड़ उग रहा है गमला फूल बुढ़ापा रास्ता पहनावा खेत मैदान मकान रुमाल पौधा साग सागर डमरू धूप धुंध आदि ये क्या है पुरुषवाचक है और कुछ अप्राणवाचक जिनमें प्राण नहीं है बोल रहे हैं शब्द भी स्त्रीवाचक होते हैं जैसे किताब चाय खीर दाल कमल चीज हवा नम्रता सेवा दुकान बस ससुराल बर्फ ईट नदी आदि ये क्या है स्त्रीवाचक है प्राणीवाचक अब देखो जिन्होंने प्राण है शब्दों का लिंग स्पष्ट है कठिनाई होती है परंतु ऐसे शब्द के साथ संयुक्त की, की, की पहचान हो जाती है बोल रहे हैं ठीक है जैसे किताब क्या था किताब में कोई प्राण थोड़ा ना होता है लेकिन किताब को हम अगर यूज कर रहे हैं स्त्रीवाचक बोला ना हमने किताब पढ़ी ई आ रहा है ना लास्ट में तो स्त्रीवाचक देखो लिंग की पहचान कैसे पुल्लिंग विशेष विशेष द्वारा कैसे पहचान होगा फूल हम पुल्लिंग है, है, कैसे बताएंगे कैसा फूल है भैया लाल फूल है या फिर काला फूल है तो काला आ रहा है ना काला फूल है तो ऐसे भी पता, काला फूल पुल्लिंग हो गया लंबा पत्र है अन्न पहला अन्न है नया चित्र है चौड़ा ये जो लाल में दे रहे हैं सारे विशेषण तो विशेषण से भी पहचान होती है लिंग की तो ये सारे पुल्लिंग है जितनी भी है पढ़ लेते हैं चौड़ा मुख्य छोटा दिया छोटा घूंगट गुंगर, छोटा घुघरू लंबा छप्पर नया बीज बड़ा गमला चिकना आ, मलहम हल्का झोका सस्ता सामान चिकना भोजन पीला मुकुट नीला रुमाल गहरा संकट उजला फैन छोटा तौलिया लंबा जुलूस पहला चुनाव कड़ा दबाव तगड़ा जवाब दूसरा धक्का पुराना भैया नीला जंघिया पीला तक क्या सारे क्या है पुल्लिंग है लेकिन इनमें विशेषता से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है ठीक है विशेषण से अब संबंध कारक के प्रसर्गो द्वारा देखो संबंध कारक के प्रसर्गो द्वारा नदी का घाट का 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 कारण आ की मात्रा का 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 तो संबंध कारक के प्रसर्गो द्वारा नदी का घाट है पैर का जख्म है सीप का मोती है गेहूं का बीज है तोते का पंख पैर का नख आपका हल हाल, हाल पैसों का लालच मूली का स्वाद हमारा देश तोता का गला रोटी का टुकड़ा जैसे बिच्छू का डंक सांप का दंस गाय का घी घड़े का पानी घोड़े का बाल बथुए का साग पान का दाह गाय का दही कुत्ते का कान हमारा मकान नीम का पौधा हाथी का हद तूफान का झटका मिट्टी का मटका जंगल का हाथी सेब का मुरब्बा तो ध्यान रखे यहाँ बाद वाली संज्ञा का ही लिंग निर्धार निर्धारित हो रहा है जो बाद वाली संज्ञा है उसका लिंग निर्धारित हो रहा है ठीक है अब देखो क्रिया द्वारा कैसे पता चलेगा लिंक तबला बजेगा बजेगा क्रिया है ना तो इससे पता चल रहा है अबीर लगाया गया लगाया गया आईना हिल रहा है बस यहाँ पे मेरे घर साग पका मकान बन रहे हैं ठोलक बजेगा आ रहा है ना सब फुल्लिंग चुनाव हुआ धुआं ऊपर उठा तख्ता पलट गया उत्साह बड़ा बादल छाया है विकास हो रहा है आतेगढ़ चले गए और यहाँ तारा चमक रहा है मधु खरीदा गया शरबत पिलाया गया आशीर्वाद मिला दरबार लगा हुआ है संवाद हुआ शोर हुआ शहर बढ़ा रहा है बढ़ रहा है बालू ढोया गया तो सब क्या है सब क्या है जो है इसमें क्रिया क्रिया देख के भी पता चलता है हम पहला पद देख रहे थे फिर हमने अभी क्रिया देख रहे हैं विशेषण देखा अभी क्रिया देख रहे हैं ठीक है क्रिया से भी पता चलता है पुल्लिंग है उठा बजा गाया लिखा पका सारे क्या बता रहा है उसकी लिंग बता रहा है क्रिया से लिंग की पहचान स्त्रीलिंग में देखिए अच्छा बोल रहे थे काली मूछ खड़ी नाक थोड़ी सी बात पीली दे छोटी पूछ लंबी जीप नई वस्तु पतली सड़क अच्छी चाय चौड़ी पी टेढ़ी राह मैडी चादर नए फसल नीली कमीज काली भैंस पुरानी जगह लंबी चौड़ी नहर कीमती ऊंची कीमत तो ये सब विशेषण जो है क्रिया तो लिंग की पहचान बता रहे हैं जैसे तीन, चार, चार जैसे जैसे अगर ऑप्शन आ गए उन्होंने दिया कि इसमें ढूंढो ठीक है या फिर इसमें एक जो डिफरेंट है उसे बताओ तो जैसे चौड़ी पीठ टेढ़ी राह पुरानी जगह और एक दे दिया अन्य शोर हुआ तो जो अलग होगा वो क्या होगा तीन मैंने स्त्रीलिंग के दिए एक मैंने पुल का जो शोर हुआ है वो पुलिंग का वो अलग हो जाएगा ठीक है इस तरीके से ऑप्शनल में आ सकता है दूसरा है संबंध कारक के प्रसर्गो द्वारा इसमें कुत्ते की दुम काट की तलवार की 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 देखो नी की की, की 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 आ रहा है ना ये पुलिंगलिंग को बताएगा सब ठीक है अब क्रिया द्वारा देख लेते हैं विशेषण देखी संबंध कारक के, के द्वारा देखा और क्रिया द्वारा देखो सरसो फूल रही है क्रिया क्या हो रहा है फूल रही है आई है बैठेगी चली रही हाकी होगा मची रही संभाली सही रही पकेगी रही मिलेगी गई सिरती रही मिलावट हुई ठीक है गई गई मिली ये सब क्या है क्रिया ई ये मात्रा स्त्रीलिंग को डी कर रही है ठीक ऐसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के क्या नियम होते हैं आकारांत तो पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है देखो पीछे पीछे से पीछे से ई प्रत्यय लगता है बोलते ना ई लगाने से स्त्रीलिंग बन सकता है बोला देखो जैसे लड़का है ई लगा दो लड़की हो गया मामा ई लगा दो मामी हो गया बेटा बेटी पुत्र पुत्री चाचा चाची मेढक मेटकी हिरन हिरनी दादा दादी चेला चेली ऐसे पीछे से प्रत्यय ई लगाने पर क्या हो जा रहा है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जा रहा है कभी कभी ई पर्त लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होता है बोले इया ई लगेगा बेटा है जैसे बेटियां हो गया इया लगाना ऐसे बूढ़ा बुढ़िया चूहा चुहिया खाट खटिया बंदर बंदरिया गुड्डा गुड़िया कुत्ता कुत्तिया बाछा बाछिया और हाट हटिया तो ऐसे इया लगाने पर भी स्त्रीलिंग हो जाता है पुल्लिंग से कुछ व्यवसाय वालों के नाम में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है देखो जैसे अहिर है इन लगा दिया तो इसमें अहिरिन स्त्रीलिंग हो गया धोबी है धोबिन मालि है मालिन चमार है चमारिन कुम्हार है कुम्हारिन तेल तेलिन लोहार लोहारिन सुनार सुनारिन डोमिन तो इन लगाने पर भी क्या हो जाता है पीछे से प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग हो जाता है ऐसी कुछ पुल्लिंग शब्दों में नी परत लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है नी देखो पीछे से लग रहा है चीजें ठीक है मौर नी मोर है मोरनी ऊंट ऊंटनी शेर शेरनी चोर नी। चोरनी नीच रीछनी सर्प सर्पिनी शिहार शियारनी शियानी हाथी हाथी हाथीनी तो पीछे से प्रत्यय नी लगाने पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जा रहा है वो ऐसी वंश वाले पुरुष नामों में आईन लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं जो वंश वाले जैसे दुबे हैं तो क्या हो जाएगा दुबाइन पंडित मिश्राइन ठाकुर ठकुराइन जाएगाइन शकुल, शकुल, लाला ललाइन बाबू बबुआइन ठाकुर ठकुराइन ठाकुर, बोलते हैं ना ऐसे आईन लगाते हैं तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाता है ऐसे कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी लगाने में स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसे जेठ जेठानी सेठ सेठानी चौधरी चौधरायनी देवर, देवर देवरानी मेहतर मेहतरानी इंद्र इंद्रानी नौकर नौकरानी खत्री, शिव, शिवानी तो पीछे से आनी लगाने पर नी लगाकर मास्टरायन डरा डर सॉरी मास्टरनी डॉक्टर ऐसे आनी लगा के प्रोफे प्रोफेसरानी भी बनाया जाता है परंतु तो ये मानक प्रयोग नहीं है देखो अगला है कुछ पुल्लिंग शब्दों में ईया लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसे डिब्बा का डिब्बिया गदरिया जैसे लोटा का लुटिया लथ का, पोड़ा का, मचान का मछिया मठ का मठिया पुंडा का पुनिया तो इया लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है कुछ पुल्लिंग शब्दों में इका लगाकर देखो इका कैसे लगा है शिक्षक है शिक्षिका इक्का लगा रहे पीछे से अध्यापक अध्यापिका संपादक संपादिका गायक गायिका नायक नायिका पाठक पाठिका लेखक लेखिका प्रकाशक प्रकाशिका संस्थापक संस्थापिका तो इका लगा करके हम प्रत्येक इका लगा करके भी स्टिलिंग बना देते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में वान या मान प्रत्यय की जगह क्या लिखा है बती या क्या लगा कर वती वती लगाकर जो है स्ट्रलिंग बनाया जाता है वती या मती लगाकर ठीक है स्टिलिंग बनाया जाता है बोल दीजिए गुणवान है गुणवती देखो वान मान की जगह बती और मती लगाएंगे बस यही है सिंपल

इन्होंने बिल्कुल उल्टा दे दिया है तो पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग लिख दिया जिसे इन्होंने माता दे रखा है स्त्रीलिंग है पिता क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा ठीक है पहला इन्होंने गलत लिख लिख रखा रखा है है बाकी सही राजा है पुल्लिंग है पुल्लिंग रानी हो जाएगा विद्वान विदुषी अब पीछे से कुछ अलग थोड़ा ना रहा है बिल्कुल ही उलट है शब्द ही बिल्कुल अलग दिख रहे हैं ना तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं इससे क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत सारे ससुर सास भाई बहन वर वधु पति पत्नी सम्राट सम्राज्ञी कवि कवियत्री युवक युवती बैल गाय भय भैया भाभी मियाँ बीवी नेता नेत्री अभिनेता अभिनेत्री आचार्य चार्य सभा सभा नेत्री साधु तो ये बिल्कुल उलट है लेकिन स्त्रीलिंग पुतलिंग इनका ये बनता है तो कुछ प्राणीवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग मतलब ही होता है ये इसमें मेल फीमेल दोनों होंगे ऑब्वियसली लेकिन ये क्या होंगे स्त्रीलिंग में आएंगे हम चिड़िया उड़ रही है बोलेंगे चिड़िया उड़ रहा है नहीं बोलेंगे ठीक है ऐसे चिड़िया कोयल चील दीमक बेटर बटेर मैना तूती गिलहरी जोंक तितली मछली ये क्या है सारे स्त्रीलिंग है कुछ ऐसे शब्द जिनके पुल्लिंग रूप नहीं होते हैं उनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में होता है 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 जैसे पुलिस पुलिस जा रही है, आ रही है, पुलिस जा रही रही आ रहा है ऐसे नहीं बोलते ना तो ऐसे शब्द जैसे फौज सरकार नर्स सेना आदि क्या है स्त्रीलिंग में यूज होता है इनका द्विलिंगी शब्द कौन होते हैं देखो हिंदी के कुछ शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं लिंग भेद इससे क्वेश्चन आ सकते हैं भैया अर्थ भेद हो जाता है ठीक है आदि पुल्लिंग है आदि स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग में अभ्यस्त मतलब, तो मतलब निकलता है इसका आदि स्त्रीलिंग में यूज करें तो अदरक मतलब निकलता है ठीक है अभ्यस्त आदि पुल्लिंग का मतलब टहलने का आदि है का लगा रहे हैं ना देखो का पुल्लिंग है वो आ, सब्जी में आदि डाली गई आदि डाली गई स्त्रीलिंग के बस उससे यूज हो रहे है ठीक है ऐसे ऐसे ये है और और यानी सिरा छोर पुल्लिंग की तरह यूज हो रहा है और स्त्रीलिंग की तरफ पक्ष तरफ इस धागे का ओर उधर है इस नहर की ओर गए हैं ठीक है थीके? पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में, जैसे कल पुल्लिंग की उससे भी यूज होता है और कल स्त्रीलिंग में भी कल यानी आने वाला कल कल यानी चैन चैन आपका कल कब होगा पुल्लिंग धन के चलते कल नहीं पड़ती ठीक है चैन नहीं पड़ती कल कल कलक -कल पुल्लिंग स्त्रिंग वही जलधारा का स्वर को कलकल बोलते हैं और खास खुजली को भी कलकल कल बोलते हैं ऐसी खान भी पुलिंग स्त्रीलिंग दोनों पठानों की उपाधि को खान उसको पुलिंग की तरह यूज करेंगे और खान खनिजों से निकलने वाला स्थान से जो बोलते हैं खान वो स्त्रीलिंग की तरह यूज होता है ऐसे खैर खैर कथा और कुशल के रूप में यूज होता है पुलिंग स्त्रीलिंग ऐसी चांद चंद्रमा को चांद पुलिंग की तरह यूज होता है और सिर का बीच वाला भाग चांद स्त्री के लिए यूज होता है स्त्रीलिंग की तरह यूज होता है जंग लोहे का मोर्चा पुलिंग की तरह ऐसे जंग स्त्री युद्ध के लिए जो यूज हो रहा होगा जंग वो स्त्रीलिंग के रूप में यूज होगा जगत संसार जो है पुलिंग की तरह और जगत कुएं का जबूतरा जो होता है वो स्त्रीलिंग की तरह ज्वार समुद्र की लहरों का उठान पुलिंग की तरह ऐसे एक प्रकार का अनाज होता है वो स्त्रीलिंग की तरह होगा ऐसी झाड़ जो है छितराया हुआ छोटा पौधा पुलिंग की तरह ऐसे झाड़ जो डांट फटकार करते हैं झाड़ लगा बोलते हैं ना स्त्रीलिंग की तरह यूज होता होता है टीका तिलक जो होगा पुलिंग की तरह होगा टिप्पणी जो करेंगे टीका टिप्पणी वो स्त्रीलिंग की तरह यूज होगा ऐसी ढाल जो ढलान की वाला ढाल यू जो होगा पुलिंग की तरह होगा वो ढाल जो तलवार की वार को ढाल बोलते हैं वो स्त्रीलिंग की तरह रोकने वाला हथियार है तलवार की वार को रोकने वाला ऐसी जो वो पुल्लिंग की तरह यूज होगा और शिथिलाता छूट जो है वो ढील स्त्री की तरह स्त्रीलिंग की तरह यूज होगा ऐसी ताक है ताखा जो होगा ठीक है वो पुलिंग की तरह यूज होगा और घात लगाने वाला ताक लगाए बैठा है घात लगाए वो स्त्रीलिंग की तरह ऐसी दर है दरवाजा पुल्लिंग की तरह ऐसे भाग वाला दर स्त्रीलिंग की तरह होगा ठीक है ऐसी एक चर्म लोग है दात वो पुल्लिंग तो तो की तरह प्रशंसा कर रहे हैं तो दात देनी पड़ेगी बोलते हैं ना तो स्त्रीलिंग की तरह यूज होता है ठीक ऐसी धातु है पुलिंग की तरह यूज होगा मूल शब्द है तो धातु है खनिज वाला धातु है तो स्त्रीलिंग की तरह यूज होगा पतं। पतंग है पतिंगा पुल्लिंग की तरह यूज होगा अगर गुड्डी का पतंग बोल रहे हैं है तो स्त्रीलिंग की तरह स्थान वाला पीठ होगा तो पुल्लिंग की तरह शरीर का एक भाग वाला पीठ होगा तो स्त्रीलिंग की तरह ऐसी बाल है केस का यूज हो रहा होगा तो पुल्लिंग की तरह और भुट्टा वाला बाल का यूज हो रहा होगा तो स्त्रीलिंग की तरह ऐसी मांग है मांग सिर केस की बीच वाला भाग जो होता है उसकी बात पुलिंग की तरह होगा और कुछ पाने वाले के लिए की गई पुकार वाली मांग है तो स्त्रीलिंग के तरह होगा माला है हार वाला माला हो रहा होगा तो पुलिंग की तरह यूज होगा और जीत का उलट हार वाली बात हो रही होगी तो स्त्रीलिंग की तरह यूज होगा तो ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पे खत्म काफी लंबा चैप्टर था बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से भी दो चीजें पता होनी चाहिए तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का समझ में आ गया होगा आई होप आपको Thank you for watching.